हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, NCERTM ने BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल के लिए एक लेटेस्ट अपडेट डाला है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या ये अपडेट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, NCERTM ने, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो एनरोलमेंट डेट थी, उसे फिर से बढ़ा दिया है। लास्ट टाइम ये 30 अक्टूबर थी। इसके बाद 30 अक्टूबर को ही एक नोटिफिकेशन आता है सभी प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर, चाहे वो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा हो, स्वरिक्पा हो, सभी कॉलेज के जो डीन होते हैं उनको लेकर के एक नोटिस यहाँ पे दिया जाता है। तो क्या है वो नोटिस, आइए देखते इसका सब्जेक्ट क्या है। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव बाय फर्स्ट प्रोफेशनल 22-23 बैच, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेट थी उसको यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया है। तो जो डेट इन्होंने कर दी है अब आगे, तो जो डेट है, फर्दर टू बी कमिश्नर लेटर जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, रिगार्डिंग शेड्यूल बिटवीन इलेक्टिव फर्स्ट प्रोफेशनल 22-23, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव बाय फर्स्ट प्रोफेशनल 2022-23 इज बींग फर्दर एक्सटेंडेड टिल 10th November 2023। तो जितनी भी यहाँ पे जो भी लोगों को दिक्कत आ रही थी, कहीं पे नाम गलत आ रहा था, कहीं पे रजिस्ट्री गलत हो रही थी, कहीं पे डाटा फिलअप गलत हो रहा था, तो इसको देखते हुए NCERTM ने फिर से इस इलेक्टिव सब्जेक्ट के डेट को 10 दिन और आगे बढ़ा दिया है। मतलब 10 नवंबर तक आप अपना जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जिन लोग छूट गए हैं, या फिर जिन लोगों की कोई गलती हो गई हो, पोर्टल कभी काम करता कभी नहीं करता, तो उन सब के लिए एक और दूसरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जो भी डिटेल्स हैं, जो गलत हुई हैं, तो जिनका रह गया है, तो उसे वो फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है आपके लिए काम का होगा, और आप BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल के तो आपके लिए तो बहुत काम का है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।